जब भी आपको निराशा घेरे, मतलब हर युवा को कम से कम दो तीन लोगों की जीवनी या बायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए। उससे होता यह है सर कि जब आप उनके उनकी परिस्थितियों को देखते हो ना और उनसे खुद को कंपेयर करते हो। जिसके पास चेतना है सर वो गरीब कैसे हो सकता है? अगर आज हम कैपिटलिज्म के पैरामीटर पर पॉवर्टी माने तो कबीर तो बड़े गरीब थे। जब भी आपको निराशा घेरे, मतलब हर युवा को कम से कम दो तीन लोगों की जीवनी या बायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए। अंबेडकर की जरूर पढ़नी चाहिए सर। पता चलेगा कि कितनी चुनौती आपको हो सकता है एक दो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो। उस आदमी की चारों तरफ चुनौतियां हैं। गांधी की जीवनी, भगत सिंह की बायोग्राफी, उससे होता यह है सर कि जब आप उनके उनकी परिस्थितियों को देखते हो ना और उनसे खुद को कंपेयर करते हो। जैसे भगत सिंह, जैसे अंबेडकर जी लंदन में है, लाइब्रेरी में खाने को पैसा नहीं है, लंच करने को पैसा नहीं है। दोपहर में जब सारे लोग लंच करने चले आते हैं तो वो लाइब्रेरी के मेज पे सर रखकर एक पैटीज जेब में रखे होते हैं, उसको खाते हैं, फिर वहीं पानी पी के बैठ जाते हैं। एक दिन पकड़ गए तो लाइब्रेरियन ने कहा कि अब बस रेस्ट्रिक्टेड, बाहर अंदर कैसे खाना खा रहे थे। तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि साहब ऐसी ऐसी बात है, पहले नहीं बताया, पर्सनालिटी देखो सर, पहले जाके नहीं रोए कि साहब हम गरीब घर से ना। जब पकड़े गए तब बताया, और ये नहीं कहा हम गरीब हैं, कहा सर अभी कुछ फाइनेंशियल दिक्कत है सर। जिसके पास चेतना है सर वो गरीब कैसे हो सकता है? मैं इस लाइन को फिर से रिपीट करूंगा सर। जिसके पास चेतना है, कॉन्शियस, अगर आज हम कैपिटलिज्म के पैरामीटर पर पॉवर्टी माने तो कबीर तो बड़े गरीब थे, रैदास तो बड़े गरीब थे, लोगों का तो इनको पैर ही नहीं छूना चाहिए। पर कैपिटलिज्म ने आज पैरामीटर बदल दिया है। उसने कहा चेतना उतना कुछ नहीं होती, ये सब हिंदुस्तानियों की ड्रामेबाजी है, जिसके पास पैसा है वो अमीर है। कहां बचा रहा है कोरोना किसी को? कोई अमीर अमीर नहीं देख रहा है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं देख रहा है, कोई अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं देख रहा है। और तब उस लंदन के लाइब्रेरियन ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें फिर से बैठने की परमिशन दूंगा, पर शर्त एक ही है कि तुम आज के बाद का लंच हमारे साथ करोगे। ये फायदा होता है सर हर युवा को, मतलब कोई भी युवा नहीं, मतलब कोई भी बुजुर्ग भी, बच्चे से तो खेलने के सिवा उनके पास कोई काम नहीं है, अच्छा भी है वो खेलें मोबाइल छोड़कर, लेकिन हर युवा को जीवनी और बायोग्राफी पढ़ने का शौक पालना चाहिए सर। उससे जब आप कंपेयर करते हो उस व्यक्ति का जीवन और अपना जीवन, तो या तो आपको बड़ा साहस मिलता है और या आपको ग्लानि होती है कि यार हमारे पापा हमको इतना सुविधा दे रखे हैं और हम कर क्या रहे हैं।